Let's do question number 6 of exercise 13b, that is trigonometric identities. Question number 6 is, if x equals to, friends, x ki value de rakhi hame a cos cube theta, right? Aur y ki value de rakhi hai hame b sin cube theta. Aur hame kya prove karna hai? Hame prove karna hai x upon a ki power 2 by 3 plus y upon b ki power 2 by 3 equals to 1. प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, देखिए x upon a है तो यहां से हम x upon a की वैल्यू निकालेंगे. कैसे, ये a की मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगी, ये इधर ले आए, राइट. तो क्या बच गया इधर, cos क्यूब थीटा. इसी तरीके से यहां पे y upon b है तो y upon b की वैल्यू ले आए, ये इधर ले आए तो हमारा बच गया sin क्यूब थीटा, राइट. अब हम ये इक्वेशन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली. लेफ्ट हैंड साइड में है x अपॉन a की पावर 2 अपॉन 3 प्लस y अपॉन b की पावर 2 अपॉन 3, राइट. तो x अपॉन a कितना आया, cos क्यूब थीटा का पावर 2 अपॉन 3 प्लस यह आया sin क्यूब थीटा की पावर 2 अपॉन 3, राइट. फ्रेंड्स, हम a क्यूब होता था और बाहर कोई भी पावर होती थी तो हम क्या लिख सकते थे, a की पावर 3 इनटू 1 अपॉन 2 लिख सकते थे, और अगर कुछ कट सकता था तो काट देते थे, राइट. तो इसी तरीके से मैंने cos थीटा की पावर लिखी ये वाला 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3, ये एक्सपोनेंट्स लग रहा है. इसी तरीके से sin थीटा की पावर लिखी 3 ये वाला इनटू 2 अपॉन 3. अब ये डिवीजन का 3 कट गया तो ये क्या बच गया, cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. और हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 1. तो हेंस यही प्रूव्ड करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड की इसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, देखिए 1 ही प्रूव्ड करना था आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.